फूर पिया या मेरे दिल की ईर्ष्या पिया, औलिया आए हैं आज यहाँ, औलिया आए हैं, अंबिया आए हैं, औलियाओं के मौला इमाम आए हैं, और दिलगिर बाबा का सदका यहाँ बांटने खुद मदीने से खैर इनाम आए हैं। हेलो हेलो, जो भी हजरात इधर उधर है महफिल में आ जाए बराए करम, इससे मिजाज खराब होता है। हाँ रोशन भाई, सरकार बेदम शबार से फरमाते हैं, जमाल यार के जलवो में खो गया हूँ मैं। ए बाबू ऐसा मत करो, जमाल यार के जलवो में खो गया हूँ मैं, और सुरागे राह मोहब्बत की पा गया हूँ मैं। कहना कि जमाल यार के जलवो में खो गया हूँ मैं, सुरागे राह मोहब्बत की पा गया हूँ मैं, जुनून इश्क की नारंगियां अरे ताबा, कभी खुदा हूं कभी बंदा खुदा हूं मैं, कभी खुदा हूं कभी बंदा खुदा हूं मैं। और वहीं हमारे बड़े दादा सरकार बिस्मिल शाह फरमाते हैं कि हरमो दायर में वो दिल रुबा नहीं मिलता आशिको, हरमो दायर में वो दिल रुबा नहीं मिलता, और मुकाम उनका तो दिल के सिवा नहीं मिलता नहीं मिलता। और खुदा खुदा करे यू कोई उम्र भर, लेकिन मिटे ना शेख पे जब तक खुदा नहीं मिलता, मिटे ना शेख पर जब तक खुदा नहीं मिलता। या दिलगीर शाह पिया, या मोरे गफूर शाह पिया, या मेरे मदार शाह पिया, तेरी गलियों में हज का मजा मिल गया। जो सरकार के दीवाने मचल जाएंगे, तेरी गलियों में हज का मजा मिल गया, उम्र छोटी थी कितनी दराज हो गई, तेरी गलियों में हज का मजा मिल गया, उम्र छोटी थी कितनी दराज हो गई, तेरी गलियों में हज का मजा मिल गया, उम्र छोटी थी कितनी दराज हो गई, लाख सजदे किए पर खुदा ना मिला, क्या मेरा दिल गिर शापिया, लाख सजदे किए पर खुदा ना मिला, तेरे कदमों पे मेरी नमाज़ हो गई, 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 चार मिसरे ऐसा दे रहा हूं कि मुझे यकीन है कि आप किसी से नहीं सुने होंगे, जाने से आप ही सुनेंगे कि फूलों में है वही पत्थर में देख लो। चांद भाई, फूलों में है वही वही पत्थर में देख लो, और जलवा खुदा का अपने ही अंदर में देख लो, फूलों में है वही वही पत्थर में देख लो, जलवा खुदा का अपने ही अंदर में देख लो, और कुरान के हवाले से ऐलान है मेरा, कुरान के हवाले से ऐलान है मेरा, अल्लाह को रूबरू मेरे दिलबर में देख लो, अल्लाह को रूबरू
करो मेरे दिल भर में देख लो तो जाहिर तेरी नमाज हो बाबे हरम के सामने और हमने तो सर झुका दिया दिलगिर पिया के सामने तो कब आरिश बारी बेजाने की कब आरिश बारी बेजाने की अब आरिश बारी बेजाने की नया कलाम सुना रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो आप लोग सुनते रहते हैं और रिकॉर्डिंग से अच्छा हम लोग गा भी नहीं सकेंगे कब आरिश बारी बेजाने की कब आरिश बारी बेजाने की अब आरिश बारी बेजाने की भैया कब आरिश बारी बेजाने की कब आरिश बारी बेजाने की हम लोग तमन्ना के दीवाने हो जाते हैं सब सरकार कफूर शाह के दीवाने हो जाते हैं उसे दीन दुनिया कोई चीज से मतलब नहीं सिर्फ जिधर देखते उनका सनम ही याद आते हैं कब अरश बारी पे जाने की हम लोग तमन्ना हम कफूर पिया की सूरत में अल्लाह को देख को देखा करते हैं लेकिन जो सरकार के दीवाने हैं उनकी बात पेश करो भैया जो पीर का आशिक है उस पर जो पीर का आशिक है उस पर कुर्बान मुकद्दर होता है पीर का आशिक है उस पर कुर्बान मुकद्दर होता है जो पीर का आशिक है उस पर रिंदों की नजर में मैं खाना रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है नालायन का चूम ना दिलगिर शाह की नालायन का चूम ना दिलगिर शाह की नालायन का चूम ना दिलगिर शाह की सजदों के बराबर होता है दिलगिर शाह की गली का हर फेरा दिलगिर शाह की गली का हर फेरा एक हज के बराबर
का हर फेरा एक हज के बराबर होता है बेशक। दीवाना क्या कह रहा है, नादर से कोई मतलब ना काबे की तमन्ना करते अभी कुछ देर पहले हमारे जानी अंकल कह रहे थे कि अगर हम लोग हीरो मुर्शिद के कदमों पे सर झुकाते हैं तो जमाने वाले कहते हैं ये शिर्क है, ये कुफ्र है। हाँ मैंने कुफ्र किया, अपने यार की मोहब्बत में कुफ्र किया। कैसे नादर से कोई मतलब ना काबे की तमन्ना करते हैं करते हम लोग तरीकत वाले हैं, हम लोग तरीकत वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मिलते, हम लोग तरीकत वाले हैं, हम लोग तरीकत वाले हैं, हम पीर का सजदा का सजदा करते हैं। अब दीवाना क्या कह रहा है, जो दीवाने हो जाते हैं उनकी बात। मैं दीवाना दीवाना दिलगिर शाह का दीवाना, दिलगिर शाह का दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, दिलगिर शाह का दीवाना, मैं 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 दीवाना। ये जो मैं गिरा दे रहा हूँ, मुझे लगता है कोई कवाल से नहीं सुनेंगे। काबे को देख करके ना मस्जिद को देख कर, काबे को देख करके ना मस्जिद को देख कर, काबे को देख करके ना मस्जिद को देख कर। गिरा इस चीज को मैंने कैसे किया, काबे को देख करके ना मस्जिद को देख कर, काबे को देख करके ना मस्जिद को देख कर, काबे को देख करके ना मस्जिद को देख कर, या मेरे आलम पना। और ये शेर सुने आप, बहुत से लोगों का कहना कि वली अल्लाह मर जाते हैं, नाउज बिल्ला कहना कि अभी भी जहन के पर्दों पे वो इफ्तार जिंदा है। चचा जाना भी शेर सुनेंगे कि अभी भी जहन के पर्दों पे वो इफ्तार जिंदा है। भैया अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, पैसा नहीं मांग रहा आपसे, अगर बैठ के सुने तो क्या कहने, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। हाँ ये जगह बहुत खाली है।
कहना कि अभी भी जहन के पर्दों पे वो इफ्तार जिंदा है। कसम भाई गए इकबाल और गालिब मगर अशार जिंदा है, जिंदा है भैया। नहीं मरते वली अल्लाह, ये कुरान कहता है। नहीं मरते वली अल्लाह, ये कुरान कहता है। अभी भी कब्र के अंदर मेरे सरकार जिंदा है, अभी भी कब्र के अंदर मेरे सरकार जिंदा है। तो दीवाना क्या कहता है, रोजे में वही तो लेते हैं, महफिल में वही तो बैठे हैं। इस खेल को कोई क्या जाने, 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 सरकार तमाशा। हाजी दिलगीर शाह हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वो कहां है इस शेर से साबित करूंगा। ए बाबू साइड में बैठ जाओ। क्या दिलगीर दिया, क्या दिलगीर शाह दिया, तेरी चाहत में हम डूब के आशा करते हैं। करते हैं आंखों में बसा के शक्ल तेरी, 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 या मौला मौला। शक्ल तेरी या मौला मौला करते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं, बातें करते हैं नमाज की, हसन भाई। इस जग में नमाज ऐसे भी जो हूर मलायक की खातिर, नमाज पांचों पहर की है, मोतबर पढ़िए। अगर खुदा के अलावा किसी को हम लोग सजदा करते तो ये कुफ्र है। असलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, अगर मेराज नहीं तो नमाज नहीं। कहना कि नमाज पांचों पहर की है, मोतबर पढ़िए। भैया जमीन को छोड़िए, जाके अर्श पे पढ़िए, हक है ना। नमाज पांचों पहर की आय मोतबर पढ़िए, और जब खुदा के अलावा किसी को सजदा करते तो कुफ्र हो जा रहा है। अब उसको सजदा करने के लिए हमें सातवें आसमान में जाना होगा, और उसके लिए हम लोगों को पहले मरना होगा। तो हमारे पीरों मुर्शिद ने जरिया ये बनाया है कि नमाज पांचों पहर की आय मोतबर पढ़िए, जमीन को छोड़िए जाके अर्श पे पढ़िए। अरे खुदा को पाना मुमकिन नहीं जमाने में, खुदा को पाना मुमकिन नहीं जमाने में, नमाज पीर की सूरत को देखकर पढ़िए, पीर की सूरत को देखकर पढ़िए। अगर चे कल्ब में बुए वफा नहीं होगी,
है दीवानों, अगरचे कल्ब में बुए वफा नहीं होगी तो कबूल आपकी कोई दुआ नहीं होगी, नहीं होगी। और जनाबे पीर का चेहरा बसाले आंखों में, नमाज आपकी हरगिज़ कज़ा नहीं होगी, नमाज आपकी हरगिज़ कज़ा नहीं होगी। तो शायर क्या कहता है, इसी जग में नमाज भी जोहूर मलायक की खातिर करते हैं तिजारत सजदों की, 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 ईमान का सौदा ये तुम्हारी नमाज है और हम आशिकों की नमाज क्या है बोलू चाहूंगा। तुम सर को झुका क्या करते हो बिन देखे खुदा के आगे और उनकी बात है। और हम जब सरकार हाजी दिलगीर शाह दीवाने हैं तो हम लोगों का आलम क्या है, अपने अपने पीरो मुर्शिद को तस्वूर में करे। और ये शेर सुन, तुम सर को झुका करते हो बिन देखे खुदा के आगे और हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम लोग मोहब्बत वाले हम देख के सजदा, शेर में तस्वर वारसी क्या फरमाते हैं, क्या खौफ तस्वर हमको हो उस रोज कयामत से कहिए, तकरीर में फरमाते हैं कि कयामत होगी कयामत होगी कयामत होगी, लेकिन कयामत होगी कब और कयामत में होगी तो डर उन्हें है, पंजतने पाक वालों को डर है ही नहीं है। क्योंकि हमने अपने पीरो मुर्शिद से जब हाथ पे हाथ रख के बैठ हुआ तो उसी वक्त हम लोगों ने कहा, हमारे पीरो मुर्शिद वादा किए हैं बेटा मैं यहाँ बचाऊंगा तो वहां भी मैं ही बचाऊंगा। क्या बात है, क्या खौफ तस्वर हमको हो उस रोज कयामत से कहिए, बड़े भाई हम दिलगिर पिया के वादे पर, हम दिलगिर पिया के वादे पर, हम दिलगिर पिया के वादे पर, हम दिलगिर पिया के वादे पर हर वक्त भरोसा, हर 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 ह
خوف تصور ہم کو اس روز قیامت سے کہیے ہم دلگیر پیا کے وعدے پر ہر وقت بھروسہ